खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज वर्ल्ड साइकिल डे है। साइकिलिंग खुद को सेहतमंद रखने की सबसे कारगर एक्सरसाइज है, ये संदेश देश के स्वास्थ्य मंत्री ने आज खुद दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मंत्री का चार्ज लेने के लिए अपने दफ्तर गए तो साइकिल चलाकर गए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज स्वास्थ्य मंत्री का चार्ज लिया है। हर्षवर्धन को जेपी नड्डा की जगह स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर हर्षवर्धन साइकिल चलाते हुए अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे और एक ये मैसेज देने की भी कोशिश करी कि साइकिलिंग जो है वो सबसे कारगर उपाय है अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन का स्वागत किया गया, उन्होंने आज कार्यभार संभाला स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। जेपी नड्डा की जगह डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। आज वर्ल्ड साइकिल डे भी है और इसी को सेलिब्रेट किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने दफ्तर पहुंचे, पहले दिन कार्यभार संभाला, सोमवार का दिन है, स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। आयुष्मान योजना जो मोदी सरकार का एक स्वप्न है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब डॉक्टर हर्षवर्धन के कंधों पर है कि कतार में लगे आखिरी आदमी तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचे, इसकी कोशिश भारत सरकार की और डॉक्टर हर्षवर्धन को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पिछले बजट में आयुष्मान योजना की घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जेपी नड्डा ने इस योजना को आगे बढ़ाया था, लेकिन अब जेपी नड्डा की जगह डॉक्टर हर्षवर्धन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि गरीब से गरीब आदमी तक भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन वर्ल्ड साइकिल डे पर साइकिल से पहुंचे चार्ज लेने के लिए।